मुरादाबाद के वरिष्ठ समाजसेवी एवं भाजपा नेता राजेंद्र चौधरी द्वारा मुरादाबाद के बुद्धि विहार आवास विकास सेक्टर 10 में अमृत फार्मेसी का शुभारंभ किया गया है। रविवार को अमृत फार्मेसी मेडिकल स्टोर एजेंसी पहुंचे नगर विधायक रितेश गुप्ता व भारतीय जनता पार्टी के जिला महानगर अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से अमृत फार्मेसी का फीता काट कर शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी जनमानस को शुभकामनाएं दी और कहा कि राजेंद्र चौधरी एक नेक दिल इंसान है, हमेशा कमजोर वर्ग की मदद करते रहे हैं। अब इनके द्वारा बुद्धि विहार आवास विकास में अमृत फार्मेसी मेडिकल स्टोर एजेंसी का शुभारंभ किया गया है, जो बेहतर से बेहतर सुविधा और बेहतर कंपनी की दवाइयों को इनके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। नगर विधायक रितेश गुप्ता द्वारा कहा गया कि इस क्षेत्र के लिए काफी खुशी की बात है, क्योंकि अच्छी कंपनी की दवाइयां ढूंढने से मिलती हैं। राजेंद्र चौधरी अपने इस मेडिकल स्टोर से जनता को लाभ दिलाने जा रहे हैं। जनमानस से अपील भी की कि राजेंद्र चौधरी के अमृत फार्मेसी मेडिकल स्टोर पर पहुंचकर जनता लाभ उठा सकती है। हमारे संवाददाता ने जब अमृत फार्मेसी मेडिकल स्टोर के ओनर राजेंद्र चौधरी से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि आज बुद्धि विहार सेक्टर 10 मुख्य मार्ग पर शुभारंभ किया गया है और वे अपने क्षेत्र की जनता को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने जा रही हैं। सिटी चैनल से बात करते हुए उनके द्वारा बताया गया, इसके लिए जो आज इसका शुभारंभ हुआ है अमृत फार्मेसी बुद्धि विहार सेक्टर 10 पावर हाउस के पीपल धाम मंदिर रोड पर मंजरे में स्थापित हुआ है और ये हमने यहाँ की जनता को की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपने इस मेडिकल के माध्यम से लोगों को राहत देने के लिए इसकी स्थापना की है। आज इस अवसर पर शहर विधायक माननीय रितेश गुप्ता साहब और जिलाध्यक्ष महानगर माननीय धर्मेंद्र मिश्रा जी के कर कमलों से इसका विधिवत रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया गया है। अच्छा, अदर मेडिकल है उनसे और क्या बेहतर सुविधाएं देने जा रहे हैं आप? हम यहाँ पर समस्त अंग्रेजी, आयुर्वेदिक, जेनरिक, कॉस्मेटिक, सर्जिकल और जो है पेट्स मेडिसिन, इसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पर फ्री बीपी चेकअप रखेंगे, लोगों को सब प्रकार की सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे और उनमें सबसे जो हमारी प्राथमिकता होगी वो प्राथमिकता होगी कि दवाइयाँ हमारी जेन्युइन दवाइयाँ हों और लोगों को किफायती दरों पर हम उपलब्ध करें। क्या अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से मेरा अनुरोध होगा कि जो हमने उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसका शुभारंभ किया है वो यहाँ से जेन्युइन दवाइयाँ खरीदें और उसका लाभ उठाएं स्वास्थ्य के लिए।